नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज के कुछ खास खबरों की ओर। उमरिया जिले में महिलाओं ने वट सावित्री सोमवती अमावस्या का व्रत रखते हुए अपने पति की दीर्घायु के लिए वरदान मांगा। वहीं यह व्रत पति की दीर्घायु कामना एवं संतान प्राप्ति के लिए वट सावित्री सोमवती अमावस्या का व्रत जिले के विभिन्न स्थानों में महिलाओं ने श्रद्धा उल्लास के साथ एवं भक्तिमय वातावरण में इस व्रत को मनाया है। एवं इस व्रत के अवसर पर महिलाएं सुबह सूर्योदय के पूर्व स्नान आदि कर नए वस्त्र धारण कर वट वृक्ष के नीचे पहुंची, जहां विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए अपने अपने पति के लंबी उम्र और तरक्की के लिए वरदान मांगा। कहा जाता है कि इस व्रत में शक्तिवान और सावित्री की मूर्ति, बांस का पंखा, लाल धागा, धूप पान, मिट्टी के दीपक, पानी से भरा पात्र, आटे से बना मीठा खाद्य पदार्थ, गुड़, चना सहित पूजा की सामग्री प्रमुख मानी जाती है। इनके बिना पूजा अर्चना अधूरी मानी जाती है। यह व्रत ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष के अमावस्या को मनाई जाती है। इस व्रत के बारे में यह भी कहा गया है कि इस व्रत को सावित्री ने किया था। सावित्री के पति शक्तिवान के प्राण जब यमराज ने हर लिए थे तो वह अपने पति के प्राणों को बचाने के लिए उनके पीछे दौड़ी और पति के प्राण वापस करने की मांग रखी। जहां यमराज ने सावित्री से कहा कि वह वरदान मांग ले, वही सावित्री ने 100 पुत्रों की प्राप्ति का वरदान मांगा जो उसे मिला। लेकिन उसने यमराज से कहा कि वह पतिव्रता स्त्री है, जब पति नहीं होंगे तो उसे पुत्र प्राप्ति कैसे होगी। तब यमराज ने सावित्री को चना के रूप में सत्यवान के प्राण वापस कर कहा, इस चने को अपने पति के मुंह में रख कर फूंक मारें, जिससे प्राण वापस आ जाएंगे। उसने ऐसा ही किया, जिससे सावित्री के पति की जान वापस आ गई। तब से इस व्रत का पालन किया जाने लगा। इसीलिए इस व्रत में चना एवं उसके दाल का बड़ा महत्व है। उमरिया से शंकर सिंह की रिपोर्ट। और लंबी उम्र के लिए किया जाता है और अपने सब परिवार के लिए सुख शांति के लिए, घर के समृद्धि के लिए किया जाता है और सबको सौभाग्यवती स्त्रियों को बर मतलब अच्छा प्रदान हो और सबका सौभाग्य अचल रहे, सबको अच्छा सुख शांति मिले, सबके बच्चे अच्छे रहें। इसलिए व्रत त्यौहार हमारे हिंदू धर्म हिंदू अपने समाज में मनाया जाता है। ये व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए किया जाता है और उन लोग अपने सुहाग को लंबी उम्र बढ़ाने के लिए करते हैं और ये अमावस्या के दिन में पड़ता है और इसे सभी को सब वरदान मिलता है। किसको चाहिए ना ये व्रत? हम भी खुशी से करे लागे कि बच्चे आज में सब अच्छे रहें, कहीं भी रहें सुरक्षित रहें। सावित्री का व्रत सभी सौभाग्यवती स्त्रियां करती हैं, इससे इनके पति की आयु दीर्घ आयु होती है। व्रत अपनी अपनी पति के सौभाग्य की लंबी उम्र के लिए, लंबी कामनाएं के लिए किया जाता है। और जिस तरह सावित्री सत्यवान के प्राण बचा के लाई है, उसी समय से यह व्रत का प्रचलन चला हुआ है। आज सभी महिलाएं प्रातः काल उठ के वट वृक्ष के नीचे जाके वट वृक्ष की पूजा करके और अपने सौभाग्य की लंबी अवरदा के लिए कामना करती हैं, श्रृंगार का सामान चढ़ाती हैं और एक दूसरे को भेंट देती हैं। यह है व्रत, वट सावित्री व्रत का प्रचलन हुआ। वट सावित्री का व्रत सती अपने पति के लिए लंबी उम्र के लिए व्रत करती है, पत्नी अपने पति के लंबी उम्र के लिए व्रत करती है। सब लेडीजें आज मंदिर जाके पूजा करती है वट सावित्री की, वट वृक्ष के नीचे। इसका प्रचलन जब से सती ने अपने पति की लंबी प्राण बचाए थे उसे यमराज से, तब से प्रचलन चल रखा है।